हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि योनो एसबीआई के थ्रू आप कैसे कार लोन ले सकते हो और यहां से कार लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस वगैरह क्या होता है, यहां पे आप कैसे जो है अपने फीचर्स वगैरह देख सकते हो, क्या क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इस समय, एलिजिबिलिटी क्या चल रही, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं यहाँ पे, और आपको अपना अगर योनो एसबीआई के थ्रू ही आप जो है अपना मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में हम आपको। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे हम आपको तो डिटेल में आपको बताएंगे कि योनो एसबीआई के थ्रू आप जो है कैसे जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये योनो एसबीआई की ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तीन डॉट पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा लोन का, तो यहाँ पे लोन्स के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी लोन वगैरह यहाँ पे आप चल रहे होंगे देख सकते हो, जैसे कि होम लोन चल रहा है, कार लोन, पर्सनल लोन आपका चल रहा है, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी चल रहा है, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, सब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप कार लोन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम नो मोर पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ईएमआई कैलकुलेटर आपको दिया होगा, यहाँ पे आप अपनी इनकम के हिसाब से भी अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और व्हीकल कॉस्ट के हिसाब से भी आपका मंथली ईएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डालना होगा कि आप जो भी कार खरीदने जा रहे हो उसका कितना जो है व्हीकल की कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि व्हीकल की कॉस्ट जो है वो 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ पे जो देखिए हमने व्हीकल कॉस्ट डाल दी वो 10 लाख रुपए की डाल दी कि कोई हम 10 लाख रुपए की कार खरीदने जा रहे हैं, जिसपे आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट अभी आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंक, जैसे कि 10,03,956 रुपए मान लीजिए उसका ऑन रोड प्राइस है, तो उसपे आपको 8,53,363 रुपए का जो लोन है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। अब कितने टेन्योर के लिए आप लोन लेना है, जैसे कि आप मैक्सिमम आप 84 मंथ्स यानी कि 7 साल के लिए आप लोन ले सकते हो, लेकिन हमको लोन जैसे तो हमें यहाँ पे लोन लेना है देखिए 5 साल के लिए, तो हमने यहाँ पे 60 मंथ सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो मंथली ईएमआई है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा, जो कि आपका बनेगा 17,570 रुपए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 8.65 से आपकी स्टार्टिंग होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने योनो एसबीआई के थ्रू ही आप अपना मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे आप अपना जैसे व्हीकल कॉस्ट के हिसाब से आप कितना जो है लोन अमाउंट ले सकते हो, कितना जो है टेन्योर के लेना उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल में अपना मंथली ईएमआई जो है यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एलिजिबिलिटी का। अब एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड होती है, तो रेजिडेंट आप इंडियन होने चाहिए, एज जो है आपकी 21 से 67 साल के बीच में होनी चाहिए, पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपकी जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए, और अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो अदर्स के लिए जो ईयरली इनकम है वो आपकी 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा की यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। अब इसके हम फीचर्स वगैरह देख लेते हैं कि आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआई चल रहा है, यहाँ पे रीपेमेंट आप मैक्सिमम 7 साल के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो, आपको ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाएगा, ऑन रोड प्राइस में जो है वो आपका आरटीओ का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस भी जो है यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेटेड और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, यहाँ पर आपको एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इसके जो है यहाँ पे फीचर्स वगैरह मिलते हैं कार लोन के। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको जैसे यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगते हैं, उससे पहले हम इंटरेस्ट रेट और फीस देख लेते हैं क्या लगती है। तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो, अब यहाँ पे सिविल स्कोर और जो है कितने साल के लिए आप यहाँ से लोन ले रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन मिलेगा। जैसे कि अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उससे ऊपर है तो 3 से 5 साल के लिए लेते हो 8.65 से स्टार्टिंग होगी, 5 साल के ऊपर के लिए लेते हो 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे अगर आप 757 से 774 के बीच में लेते हो तो 3 से 5 साल के लिए ले रहे हो तो 8.75 से स्टार्टिंग होगी, और 5 साल के ऊपर के लिए ले रहे हो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे अगर आपका 721 से 756 के बीच में है तो 3 से 5 साल के लिए 9% और 5 साल के ऊपर के लिए 9.10, 700 से 720 के बीच सिविल स्कोर 9.25 मिलेगा 3 से 5 साल के लिए और 5 साल के ऊपर के लिए 9.35 से स्टार्टिंग होगी, 650 से 699 के बीच में सिविल स्कोर 9.35 से स्टार्टिंग होगी और 9.45% तक जाएगा। प्रोसेसिंग फीस अभी आपकी 31 मार्च 2023 तक जो है कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही थी, लेकिन अब आपकी जो है अप्रैल महीने से जो है प्रोसेसिंग फीस थोड़ी सी जो है वो लगनी चालू हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपको कितने साल के लिए लोन चाहिए उसके हिसाब से आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर होता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको योनो एसबीआई के ऐप में यहाँ पे मिल जाएगी, इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगेंगे, तो लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एंटी दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, या तो
आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप जो अपना कोई भी बिल दिखा सकते हो, जैसे कि गैस बिल, वाटर बिल वगैरह हो गया, वो आप यहां से दिखा सकते हो। दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी। प्रोफॉर्मा इनवॉइस बाय द डीलर, जो भी कार आप खरीदने जा रहे हो वो आपको शोरूम से डीलर जो होगा वो आपको प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्रोवाइड करेगा, जो आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ में आपको सैलरी के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखा सकते हो, और अदर्स के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं, जैसे कि ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, या तो आप जो अगर शॉप वगैरह चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप वगैरह, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह चलाते हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर होते हैं यहाँ पे योनो एसबीआई से कार लोन लेने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह रही कि अगर आपको योनो एसबीआई से कार लोन लेना है, आपको यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, यहाँ पे आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर होती है, तो सब आप यहाँ से देख सकते हो कि क्या लगेगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना, देखिए यहाँ पे आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी ईयरली इनकम कितनी है, आपको कौन सी कार लेनी है, कितना लोन अमाउंट लेना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल के यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन रही कि अगर आपको योनो एसबीआई से कार लोन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, और यहाँ पे आप अपना ईएमआई भी जो है डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो, व्हीकल कॉस्ट के हिसाब से और इनकम के हिसाब से अपना जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना मेरा मंथली ईएमआई बनेगा। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ लोन के ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको होम लोन के भी ऑफर मिलेंगे, पर्सनल लोन के भी ऑफर मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, और कुछ कार लोन होंगे उनके भी ऑफर वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे सारे बैंकों के देखिए, जैसे कि कार लोन, अगर आपको एसबीआई बैंक का कार लोन लेना है तो आप एसबीआई बैंक के कार लोन के लिंक पे जाए, जहां से आप इंटरेस्ट रेट वगैरह जैसे चेक कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चल रही है यहाँ पे कार लोन की, और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और जो बेस्ट ऑफर वगैरह चल रहे होंगे जो बैंक ने लॉन्च करे होते हैं वो भी आपको उसके भी लिंक वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको डिटेल में अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आपको देखिए बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाके अपना डिटेल में जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का। जैसे कि यहाँ पे योनो एसबीआई के थ्रू अभी हमने बताया कि आप कार लोन ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको डिटेल में वेबसाइट जाननी है तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे आपको सिर्फ टोटल मंथली ईएमआई दिखाता है, यहाँ पे आपको टोटल मंथली ईएमआई देख सकते हो, कितना आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना वो आप देख सकते हो, कितना पेमेंट आपको बैंक को वापस करनी होगी वो देख सकते हो। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो, तो उस लोन का नाम लिख के हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।